हेलो हेलो, ठीक है भाई, चल रहा है। और हम यहाँ आते हैं, हमने ये दो फाइल्स बना ली थी, वीएस कोड ओपन। मैं सीधा अपने कोड को रन करूँगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। स्क्रिप्ट एंड दिस वन, गो लाइव। ठीक है भाई, सर्वर चल गया, रिस्टोर कर देता हूँ पेज को। अच्छा भाई, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम, जो चीज़ें बताई उन्हीं को आगे लेके चलते हुए। कि एक मिनट, क्या था? जेएस पर आ जाता हूँ, जेएस की फाइल पे। ये सिंपली मैंने कहा, ऐसे मैंने स्पेस दी, इसको रन किया मैंने, और कहाँ गया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, मैंने कंसोल नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को स्पेस दे दी इतनी सारी, लेकिन आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आया। आउटपुट पे कुछ डिफरेंस देखने को है, तो जावास्क्रिप्ट हमारे सामने ये जो स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस, एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस को जो रिक्वायर्ड नहीं है, उनको क्या करता है? इग्नोर मारता है। जैसे अगर ये ऐसे लिखा हुआ, इतना लंबा सिंटैक्स, इसको एक लाइन में लिख दो, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, कंप्लीट जोड़ कर लिख दो, तब भी रिजल्ट सेम आना, या मैं स्पेसेस दू तब भी कोई फर्क इसको नहीं पड़ना। अच्छा, लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक ये तो हम देख लेंगे। अच्छा, लाइन लेंथ या लाइन ब्रेक जब भी होगी, इफ अ जावास्क्रिप्ट इट डज नॉट फिट वन लाइन, द बेस्ट प्लेस टू ब्रेक इट आफ्टर एन ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि जब भी जावास्क्रिप्ट की कोई एक स्टेटमेंट एक लाइन में नहीं आ रही, अब आप बोल रहे हो दूसरी लाइन में शिफ्ट होने वाली, तो दूसरी लाइन में जब उसको आप शिफ्ट करने लगो, ब्रेक करनी है आपको लाइन, तो अच्छी कंडीशन ये है कि आप उसको ऑपरेटर पर तोड़ो। अब ऑपरेटर क्या होता है? चलाने वाला। अब क्या क्या ऑपरेटर भाई? इज इक्वल टू ऑपरेटर हो सकता है, लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, इस तरह का कोई ऑपरेटर हम यूज करें, या प्लस के साथ कर दो, या माइनस के साथ कर दो, मल्टीप्लाई कर, कोई ऑपरेटर यूज करते हुए आप क्या करो, वहां पर लाइन को ब्रेक करो। ये सिर्फ अभी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। कोड ब्लॉक अभी हमारा वर्ड नहीं है, काम नहीं है, उसको देखते हैं। सिंटैक्स पे आता हूं, लेट वर दाना ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, यहां आता हूं सीधा सीधा कमेंट्स पर। कमेंट भी हमने देख लिए, मल्टी लाइन कमेंट हो या सिंगल लाइन हो, सिंबल है। अब यहां से हमने स्टार्ट करना है वेरिएबल। सबसे पहली एक चीज देखते हैं आप, कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे पास, कि वेरिएबल क्या चीज है, इनका क्या काम होता है। इसको भी यहां रखता हूं, और फिलहाल में इसको भी यहां रखता हूं। अब ये जो वेरिएबल मेरे पास है, वेरिएबल का वर्ड निकला है वेरी से, किससे? वेरी। वेरी का मतलब तब्दील होना किसी चीज का। क्या होना? तब्दील मतलब बार बार चेंज होना, किसी चीज के अंदर बार बार चेंजिंग आना। और वेरिएबल असल में एक कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर का मतलब ऐसी चीज जो अपने अंदर कुछ कंटेन कर सके, अपने अंदर कोई चीज रख सके। अब इसके एग्जांपल, वॉलेट एक कंटेनर है, गिलास एक कंटेनर है, बैग एक कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज चेंज होगी। क्या होगी? कोई ना कोई चीज चेंज होगी। बिल्कुल, एक वेरिएबल है एक्स। जैसे मैंने कहा, टू प्लस एक्स बराबर है 10 के। एक्स की वैल्यू क्या है? टू प्लस एक्स बराबर है 10 के। जैसे लिखा, टू प्लस एक्स बराबर है 10 के, मैंने कहा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 8 होगी। अगर मैं बोलूं टू प्लस एक्स बराबर है 15 के, अब एक्स की वैल्यू क्या है? क्या है? हाँ, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पे 2 + 8 बराबर है 10 के। अब ये नहीं हो सकता कि कभी 2 + 8 लिखा हुआ और यहां पर बन जाए 11, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है, 2 + x बराबर
क्योंकि ये जो नंबर्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। नंबर क्या होते हैं मेरे सामने, हमेशा कांस्टेंट। नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब दो हमेशा दो रहेगा, तीन हमेशा तीन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या चीज होगी, वेरिएबल होगा, कंटेनर होगा। एक डब्बे के अंदर आप दो चीज डालोगे, कुछ फ्रॉम टाइम उसके अंदर एक ही डब्बा है, कभी उसमें पत्ती है, कभी उसमें चीनी है, ठीक है। मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं एक डब्बे के अंदर, ठीक है, आप मुख्तलिफ चीजें उसमें रख सकते हैं, तो कंटेनर का ये काम होता है। अब जावास्क्रिप्ट में भी कंटेनर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इनका भी इसी तरीके से काम होता है। ये क्या करते हैं, अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं सिंपल लिखूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिख दूं मैं 10 + 15, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको सेव करूं, यहां जाऊं रिजल्ट देखने लगूं, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, ये रहा, ठीक है 25 आ गया, क्लियर, ये काम कर सकता हूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं वेरिएबल लूं, मैं बोलूं, कोड तो सही नजर आ रहा है ना, हाँ इतना बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर नजर आए। मैं कर दूं दूसरा तरीका, मैं बोलूं x बराबर है 5 के, y बराबर है 6 के और सेमीकॉलन, कोई मसला यहां तक, सिंपल एक स्टेटमेंट है, x बराबर है 5 के, ये क्या है एक स्टेटमेंट, y बराबर है 6 के, ये क्या है दूसरी स्टेटमेंट। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, y को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं, y को क्या कर रहा हूं, वैल्यू असाइन कर रहा हूं, मतलब एक वैल्यू दे रहा हूं। अब y किसके बराबर है, z किसके बराबर है, अभी दिया ही नहीं मैंने z, तो कैसे हो सकता है, मैं c बराबर है x plus y के कर दूं, तो जब नहीं दिया, असाइन नहीं किया, a से z तक मुख्तलिफ अल्फाबेट है, ये मैंने किसी को कुछ असाइन नहीं किया तो मेरी मर्जी, ठीक है। अब यहां पर आ गया और मैं लिखूं x plus y बराबर, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मैं कर सकता हूं x plus y, सेमीकॉलन सेव करके यहां आ जाओ, ठीक है। अब अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी हो, मैं इसको कर दू 7, सेव करूं, रिफ्रेश करूं, यहां 13 आ गया, ठीक है, यहां आऊ 9 कर दू, सेव करूं, वहां जाऊं और देख लू मैं इसका रिजल्ट 15 आ गया, ठीक है, बात समझ आई। इस तरीके से मैं एक वेरिएबल में कोई चीज स्टोर करवा सकता हूँ और उसको आगे यूज कर सकता हूँ। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, नहीं भाई ये भी ऐसे ना करूं, इस रिजल्ट को भी मैं क्या करता हूं, 3-4 रिजल्ट बनाता हूं, क्या मैं बोलता हूं, और ये x plus y दिया है मैंने, सिंपल काम, और इसको मैं नाम भी दे सकता हूं किसी वेरिएबल में, मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, लेकिन वो नाम नंबर नहीं हो सकता। मैं बोल दू 1 बराबर है 9 के, नहीं ये नहीं दे सकता मैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं नंबर 1, नंबर 2, पूरा ये सकता हूं नंबर 1 और नंबर 2। अब इसके दरमियान में मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं 2 यूज कर सकता हूं, इस तरीके से स्पेस देके नहीं यूज कर सकता, स्पेस देके नहीं यूज कर सकता, ठीक है, ऐसे, या अंडरस्कोर दे सकता हूं, ठीक है, तो मैं ये काम यूज कर सकता हूं इसमें, ठीक है। अगर दो एक जैसे लफ्ज यूज करना चाहूं, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड, तो मैं कर सकता हूं FIRST फर्स्ट, कैमल केस भी यूज कर सकता हूं, या मैं इसके दरमियान समझने के लिए अपने ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, एक वेरिएबल को नाम देने के लिए। अभी सिंपल आसान करता हूं, मैं बोलता हूं नंबर 1 और नंबर 2, ये दो नंबर नाम का एक डब्बा है, नंबर 2 नाम का एक और डब्बा है। नंबर 1 के डब्बे में क्या है 9, नंबर 2 के डब्बे में क्या है 6, दोनों डब्बों को प्लस करूं क्या बनेगा 15, परफेक्ट, यही चीज यहां पर है। मैं बोलता हूं अब रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अब जमा कर रहा हूं, तो मैं रिजल्ट बोलता हूं ऐड, मैं बोलता हूं ऐड बराबर है नंबर 1 प्लस नंबर 2 के। अब बताओ मुझे ऐड वाले बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है, देखो एक बॉक्स है नंबर, नंबर 1 में क्या है 9, नंबर 2 में क्या है 6, नंबर और ऐड में क्या है, दोनों जमा हो रहे। तो अगर मैं प्रिंट
सेव करूं या रिफ्रेश करूं? 16. बेटा यहां तक बात क्लियर हुई, समझ आई? जबरदस्त। अब ये मैं अगर यहां नंबर भी प्रिंट कराना चाहूं, मैं लिख दूं नंबर, तो देखो नंबर क्या था 9, वो भी प्रिंट हो जाएगा। ऐड दे दिया। अब मैं ऐसे मुख्तलिफ काम करना चाहता हूं, मैं ऐड करा दिया, एक और डब्बा बना दो इन्हीं दो चीजों को मिलके, बिलफर इन दो चीजों को मिलके मैंने पहले प्लस बनाया, अब क्या बनाता हूं माइनस, तो मैं लिख देता हूं सबट्रैक्ट बराबर है। अब मैं कुछ भी कर दूं, नंबर बड़ा लिया तो नंबर माइनस नम टू, और ये ऐसे भी लिख सकता हूं या स्पेस ना दो ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है बेटा? ये मैंने आपको कहा जावास्क्रिप्ट इस एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या करेगा, इग्नोर मारेगा। ये कर दिया, सेव करता हूं, रिजल्ट में क्या आएगा है, ये तो 16 ही आ रहा है, दूसरा क्यों नहीं आया? उसको प्रिंट नहीं करवाया ना, आउटपुट नहीं मंगवाया उसका, तो वो कैसे आएगा? आउटपुट नहीं मंगवाया, तो अब उसका आउटपुट चाहिए बिल्कुल, तो मैं यहां लिख देता हूं सब, सेव करूं, यहां आ जाओ दो, ठीक है। ऐसे में और काम भी कर सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई बोल दो, एम यू एल टी मल बराबर है नम वन, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय नम टू, ठीक है भाई? ये आ गया। अब यहां कर दू किसको, एम यू एल टी, ठीक है, दोनों को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 7 63, वही चीज आ गई। एक और काम कर सकता हूं, वो क्या है, डिवाइड बराबर है नम वन प्लस डिवाइड नम टू, यहां पे आ जाता हूं, क्या लिखना है मैंने, इसको भी सेमी कॉलर लगा देता हूं, डिवाइड, ऊपर देखो सजेशन भी खुद दे देगा जो आपने दिया हुआ हो पहले, तो सेव करो, यहां रिफ्रेश करो, क्लियर, बात समझ आ गई, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब सर सबको साथ प्रिंट कराना है, कराओ, नो इशू, एक लाइन में भी प्रिंट करा सकते हो सबको, और चाहो तो अलग अलग भी कराओ। जैसे मैं बोल देता हूं नाम ऐड, पहले कौन आएगा, ऐड, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर आ जाए सबट्रैक्ट, ठीक है। ये अब इसी को कॉपी करता हूं, एम यू एल टी मल्ट और डिवाइड, डिवाइड आधा लिखा हुआ है, टेप दबाऊंगा पूरा खुद हो जाएगा, ठीक है, सेव करो, सबका सबका रिजल्ट आ गया, सब आ गया। लेकिन मसला ये सब आ कैसे रहे एक लाइन में मिलकर, जैसे पहला काम क्या है, एडिशन, नम 16 होता है 16 आया, माइनस करना था 9 में से 7 गया 2 बचा, मल्टीप्लाई करना था ये आया, डिवाइड करना था ये आ गया, क्लियर। अब लाइन में ब्रेक गैप लगाना है, अब ये टॉप पे प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराया, टॉप के प्रिंट कराया, तो क्या डॉक्यूमेंट में लाइन में ब्रेक देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी बीआर लगाएंगे, कैसे, यहाँ आ जाओ ऐसे बीआर, ऐसे करो, सेव करता हूं, अच्छा ये तो बोल्ड हो गया ना, बी आर, यहां जाता हूं, सब गायब हो गया, ब्रेक लंबा लग गया, ठीक है। अब एरर आया, मुझे पता ही नहीं क्या है, इसके लिए होता है कंसोल, इंस्पेक्ट करो जाके देखो, कंसोल बताएगा एरर भंड क्या मारा, कंसोल ने भंड पकड़ने के लिए बोला ये क्या लिख रहे हो भाई, अनकैच सिंटैक्स, भाई अजीब गरीब सिंटैक्स लिखा, ये क्या होता है? जब आपने एचटीएमएल का कोई कोड लिखना है इस तरह, क्या लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाला कॉलन डबल लिखो या सिंगल कॉलन के दरमियान मिले। अब इसके अंदर आप लिख दो टैग ओपन बी आर टैग क्लोज्ड, और अगर क्लोज करना है तो ये भी लगा दो, सेव करो, अब जाओ वहां पे, आ गया एक बी आर लग गया, किसके बाद, 16 के बाद। देखो अच्छा मैंने बीच में यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, आप प्लस भी दे सकते हो, अगर प्लस दो नंबर ऐसे जो जमा नहीं हो सकते उनके दरमियान में प्लस ना ही देना। अगर मैं ऐसे लिखता एड प्लस सब और बाकियों को कमेंट कर देता हूं तो क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ आएंगे ना, क्या आ रहा है, 18 आ रहा है भाई, ये 18 क्यों आ रहा है, 18 कैसे आ रहा है वो देखते हैं, 9 और 7 को जमा किया 16, 9 में से 7 गए 2, 16 और 2 तो 18 दे दिया उसने, तो इनको जमा कर दिया, मैं तो
बोल रहा भाई साथ लिखा हुआ है, जमा थोड़ी करना है। अगर दो नंबर है ऐसे तो वो दो नंबर के दरम्यान आप प्लस डालोगे तो वो कंकेटिनेट नहीं होगा, मतलब मिलेगा नहीं, वो जमा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। अब लगाओ, अब देखो 16 और 2 आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है वैसे बताने के लिए। बाकी स्ट्रिंग लिख रहे हो मतलब ऐसा नंबर, इसको भी कमेंट से हटा देता हूं, ये चीज लिख रहा हूं मैं सिंपली। तो ये सब तो ऐसे आ रहे हैं। अब इसमें बी आर डालना है, आप बेचक कॉमा लगाऊ तब भी चलेगा, और वो भी सब में बी आर चाहिए, सबके एंड में ये लगा देता हूं। तीन के लिए लग जाएगा, चौथे के लिए जरूरत नहीं है, चौथा तो खुद नेक्स्ट लाइन में आएगा। कॉमा लगाऊ या फिर प्लस लगाऊ मेरी मर्जी, दोनों में एक जैसा रिजल्ट देगा स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पे आता हूं और मैं लिख देता हूं क्या, बी आर, सॉरी पहले ये कॉलम, इसके दरमियान में लेस देन बी आर और ग्रेटर देन का साइन। आई विल सेव इट, रिफ्रेश, ठीक है भाई, सब क्लियर हो गया। ये तो क्योंकि पूरा एक रिजल्ट है तो चार रिजल्ट प्रिंट कराए, चारों के चारों यहाँ डॉक्यूमेंट पे नजर आ गए। बेटा यहां तक सबको क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जबरदस्त हो गया, ठीक है। और इन सब का रिजल्ट एक ही स्टेप में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो। क्लोजिंग टैग थोड़ी होता है बीआर, बीआर तो खुद ही सेल्फ क्लोजिंग होता है, बीआर अकेला होता है ना। और इनके दरमियान बिल्कुल अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां साथ में बीआर के लगाता हूं, एचआर को भी बुला लो भाई, हेड ऑफ क्या ह्यूमन रिसोर्सेज वाले ना, लाखो साई छा लेता जो, ठीक है भाई, परफेक्ट है बेटा। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। अब मेरा ख्याल है यहां तक काफी है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, पूरा एक समझ लो कैलकुलेटर के तौर पर जाए, क्योंकि अभी हलवा लग रहा है, जब लिखने बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा कहां कॉमा आ रहा है, कहां कुछ ऐड होगा, क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। वीडियो में सारी बिलाल से आज अपलोड करवाता हूं अभी, ठीक है, बिलाल को बुलाता हूं, बोल दो भाई सारी चुन वीडियो सब अपलोड कर, कब तक की अपलोड नहीं हुई वो मैं देख लूंगा, वहां से आगे सारी अपलोड करूंगा। जावास्क्रिप्ट से पूरा एक उसके अंदर पार्ट है कि भाई यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आएगा, प्लेलिस्ट में तो पता है ना आपको, प्लेलिस्ट में चले जाओ तो वहां होगा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, पहली वीडियो वो डालूंगा, दूसरी पे जो कल पढ़ाया वो, और तीसरी ये वाला काम, ये वाली वीडियो डालूंगा जो पहले बताया वो नहीं, क्योंकि यहां से ही कंटिन्यू किया, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सबको, जबरदस्त। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बस।